मिनी लाल मिल है ना, इसमें आप प्री ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। होल डाले हैं, पूरी डाले इधर डालनी है। अच्छा, साबुत दाल इसमें डालनी है, ठीक है। इधर से निकल के आएगी जी और इसमें जाएगी, ठीक है। अभी ऑयल कंटेनर है, इसमें ऑयल रहेगा जो प्री ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। जनरली 0.5% मतलब, हाँ मतलब अगर एक क्विंटल दाल है के लिए आपका कुछ 50 ml के करीब, 50 ml दाल, हाँ हाँ, मतलब ऐसा रेट है, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अलग अलग दालों के लिए अलग अलग है। तो इसमें ये ऑयल इधर से गिरता रहेगा पाइप से, पाइप से ये स्क्रू ऑगर है, ये उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके करके इधर से निकाल सकते हो। अच्छा, साबुत दाल तेल लगी हुई इधर, तेल लगी हुई इधर, ट्रीटमेंट हो गई। उसके बाद कुछ 5% मॉइस्चर भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग दालों का वो प्री ट्रीटमेंट अलग जी, तो वो मॉइस्चर ऐड करके फिर थोड़ा सुखा के, ठीक है, इधर फिट करना है उसको। ये फीडर है, इसमें आप फीड रेट एडजस्ट करना है इस नॉब से। और ये उसका डीएस्किंग यूनिट है, डीएस्किंग छिलका निकलेगा, ऊपर का छिलका निकलता है, ठीक है। छिलका निकालने के बाद कुछ पोर्शन मतलब 50-30-40% इसमें स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। इधर आके जो स्प्लिट डाले हैं वो नीचे जाएगी, जो टूटी आधी हुई है, और इधर से कुछ बाहर निकलेगी, इधर से कुछ बाहर, इधर से ब्रोकन्स निकलेगा। ओके, इधर लिखा है ब्रोकन आउट। अच्छा, जो जाली में से जो बारीक है वो इधर से निकल जाएगा, ब्रोकन्स है टूटे हुए वो इधर निकलेंगे, जो फाइनल दाल है ये इधर आएगी, जो उसका पाउडर बनी है जी, पाउडर बनी है वो पीछे के आउटलेट से उधर जाएगी। अच्छा, वो ऊपर से ही निकल जाएगा पाउडर जो है, इधर से उड़ भी जाता है। देखो इधर से आया है ना ये पाउडर, ओके ओके, ये विथ पाउडर और छिलका है, ये खाली छिलका है, ठीक है ना। जैसे छिलका इसमें से आ जाएगा वो पाउडर नीचे से, साइक्लोन में भूख के फिर छिलका ही निकलेगा, ठीक है। और जो बचा है वो पाउडर, ये ब्रांड आउटलेट है जी जी, ये सारे आउटलेट से इसके, और ऑलमोस्ट कितने अभी 1.5 लाख में शायद मिल रही है मॉडल। और ये जो स्प्लिटर है ये क्या है? ये स्प्लिटर जो अभी इससे बचेगा जी, जो कि स्प्लिट नहीं हुई है, हाँ हाँ, सपोज एक ये है, ये अभी पूरा है, पूरा मसर है, ओके, दाल नहीं है, हाँ हाँ हाँ, पूरा मसर यदि छिलका उतरा है, हाँ छिलका उतरा है, इसको गोटा बोलते हैं, ठीक है। तो गोटे को आप इसको रन करके इसमें डाल दो, तो ये स्प्लिट करके, ओके, दो हिस्से में तोड़ के इधर देखो। तो मतलब एक पार्ट तो अगर वहाँ पे बल्क तो वहाँ से निकल जाएगा, अगर जो बच जाएगा वो इधर से आ जाएगा, अनस्प्लिटेड दाल, ये अनस्प्लिटेड दाल इधर से आ जाएगा, फिर ये इधर से उठा के इसमें डालेगा। ओके ओके, मतलब आप जो आपका ऑयल आपने इसको पे लगाना है वो भी इसी चैनल से लग जाएगा, इससे निकलेगा, और जो अनस्प्लिटेड है वो भी इसमें आ जाएगा। ऑयल ट्रीटमेंट देना है तो हमें ये बंद करना है, ये पूरा आउटलेट इसका बंद करना है, ठीक है। बस इधर से डालना है, तो एक ही मशीन में सारा कुछ ही हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक फीडिंग भी आ जाता है, ओके, छोटा कन्वेयर लग जाता है इसके ऊपर, ओके ओके, नीचे उसको गड्ढा करके उसमें राइट रख दो, तो अपने आप कर लेगा, बकेट से उठाता है इसमें डाल देता है, राइट, ऑटोमेटिक चलता है। इसे मतलब आपका तीन चीज़ हो जाता है कि अगर सिंपल आपने जो साबुत दाल को सिर्फ ऑयल लगाना है उसका, right, वो हो जाएगा, प्री ट्रीटमेंट भी हो जाता है, डीएस्किंग भी हो जाता है, छिलका उतारना, तो जैसे मूंग और उड़द की दाल होती है उसमें सिर्फ हमें उसको स्प्लिटिंग करनी होती है, तो ये अकेली स्प्लिटर से भी हो जाता है, वो छिलके वाली स्प्लिटिंग होती है, तो बस इससे वो इससे हो जाएगा। तो 3-4 प्रोसेस मतलब इससे, ये मशीन मल्टीपर्पज है, मतलब अच्छा। तो इसका कितना कॉस्ट है ये? ये अब हमने जब लिया था तो अब 2018 की बात है, तब 1.25 लाख में था, ठीक है, अभी 1.5-2 लाख का हो गया है। तो ये सिंगल फेज मोटर है, इसमें 3 हॉर्स पावर की मोटर है, तो सिंगल फेज है, हाँ ये तो सिंगल फेज है, एक्चुअली वो कनेक्शन का, तो इसके पहले जो क्लीनिंग होता है वो क्लीनिंग के लिए फिर अलग से मशीन लेनी पड़ेगी, इवन वो भी इससे कर सकते हैं आप। कैसे क्लीनिंग? यदि उसमें मिट्टी वगैरह छोटे छोटे हैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी इससे निकल जाते हैं। अच्छा, वो उसी को चैनल को सिर्फ ग्रेविटी से निकल जाएगा, वो ग्रेविटी से, या फिर कोई, देखो आप क्लीनिंग किसकी करनी है आपको, जैसे वही वही मिट्टी है तो वो है, और यदि आपको उससे भी स्पेसिफिक क्लीनिंग करनी है, हाँ हाँ, खाली क्लीनिंग रेडिंग करके बेचना है तो ये मशीन है, ठीक है, है ना। इसमें क्या, ओके, इसमें रखना है आपको, हाँ हाँ, ये जाली चेंज हो जाएगी, दालों के लिए अलग है, धान के लिए, ओके, अलग है, सबके लिए अलग अलग जालियाँ है। तो इसमें क्या है, 3 आउटलेट है जी, है ना। एक तो ये है ओवर साइज, मतलब सब ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़े वाला वो आएगा इधर,
ये है अंडर साइज छोटा वाला है सबसे छोटा ग्रेडिंग और जो नॉर्मल ग्रेन से वो इधर से आएगा फाइनल फाइनल से डाउट और जो उसका कचरा है मिट्टी वगैरह वो सारा इधर से बाहर निकलेगा राइट और एक है डिस्टोनर मतलब स्टोन्स आते हैं जी वो खाली बट वो स्टोन्स ही होने चाहिए पत्थर ही होने चाहिए वो शायद वो ग्रेविटी वाला जो घूम घूम के आता है वो वाला नहीं वो नहीं मोटराइज्ड है वो स्पाइरल सेपरेटर वो अलग डिस्टोनर मशीन भी आता है वो मैग्नेटिक बेस पे रहता है ओके तो जैसे ही पत्थर उसके ऊपर आ जाते हैं तो वो नीचे फेंक देता है वो भी रखा है हमारा कंपनी है अंबाला में इंडोसाइग्रस है ना जी वो भी कंपनियाँ बनाती है उनको लाइसेंस दिए हुए हैं।